हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को एंड्रोसियम बताया था। एंड्रोसियम में स्टामेन के बारे में बताया था, स्टामेन के स्ट्रक्चर्स जिसमें एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। आज हम लोग एंथर के बारे में जानेंगे, एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एंथर किस तरह का होता है। ये हमारा एंथर है। एंथर कुछ इस तरह का होता है। हमने एंथर के बारे में देखा था। आज हम लोग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, यहां से काटेंगे, तब देखेंगे कि एंथर का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंथर का स्ट्रक्चर। ये स्टामेन है, ये एंथर है, ये एंथर है, ये स्टामेन है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं एंथर का, तो ये हमें स्फेरिकल नजर आता है, सर्कुलर या स्फेरिकल नजर आता है। एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। देखें, एंथर का जो आउटर लेयर होता है, जैसे आउटर लेयर है, उसके ठीक नीचे एक लेयर और होता है, कुछ इस तरह से एक लेयर और होता है। इसी के ठीक नीचे एक से तीन लेयर और होते हैं, एक से तीन लेयर और होते हैं। मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देता हूं। एक लेयर ड्रॉ कर दिया, दो लेयर और ड्रॉ कर दिया, और इसके नीचे एक लेयर और होता है। इस तरह से होता है। इस तरह से एंथर में टोटल इसी तरह से चार लेयर्स होते हैं, फोर मोर लेयर्स होते हैं। देखिए, इसमें चार सच बना देता हूं। ये इस तरह से लेयर्स होते हैं। इसके नीचे एक और लेयर है और इसके नीचे एक और लेयर है। ठीक इसी तरह से इसमें भी वही होता है। एक लेयर मैंने बना दिया इस तरह से, कुछ दूसरा लेयर मैंने फिर से कुछ ड्रॉ कर दिया इस तरह से, इसके नीचे एक और बना दिया मैंने, और इसके नीचे एक और बना दिया मैंने। देखिए, इसमें भी मैंने फिर उसी तरह से इसमें बना देता हूं। एक ये लेयर बना दिया, एक और लेयर बना दिया, इसके नीचे एक और लेयर बना दिया, इसके नीचे एक और बना दिया। देखिए, इसमें टोटल मैंने चार, देखिए इसे मैंने फोर कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। इन सारे फोर कंपार्टमेंट्स को, इन सारे कंपार्टमेंट्स को पोलन सैक कहा जाता है। इसके बाद वाले जो हमने लेयर बनाए हैं, इसे टेप्टम कहा जाता है। इसके ठीक बाद वाले को मिडिल लेयर कहा जाता है, जो कि 1, 2, 3 लेयर ठीक होता है। उसके बाद वाले लेयर को एंडोथीसियम, और सबसे जो बाहर की ओर हम देख रहे हैं लेयर, इसे इपीडर्मिस बोला जाता है। तो ये रहा हमारा इपीडर्मिस। इस लेयर को हमने कहा इपीडर्मिस। इपीडर्मिस आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, और इपीडर्मिस सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल ठीक होता है, सिंगल सेल ठीक। ये कंटिन्यूअस लेयर होता है, ये एक कंटिन्यूअस लेयर होता है, ये एक कंटिन्यूअस लेयर होता है,
आउटर लेयर है, सिंगल सेल्ड है, थिक है, कंटिन्यूअस लेयर है। साथ ही साथ अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो जैसे मैंने इसमें लिखा दिया, आउटर लेयर है, सिंगल सेल ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर है और प्रोटेक्टिव इन नेचर है। आप इसे चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स बना सकते हैं। देखिए एपिडर्मिस ये आर्किस्पोरियल नहीं होता है, देखिए मैंने इसमें लिखा है नो जो है आर्किस्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंथर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, एंथर में कौन सा ऐसा लेयर है जो आर्किस्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता है, तो वो एपिडर्मिस होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस से ठीक नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे एंडोथीसियम कहा जाता है, ये एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम है हमारा। देखिए एंडोथीसियम जो होता है ये जस्ट बिलो एपिडर्मिस होता है, जस्ट बिलो एपिडर्मिस ये जस्ट बिलो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है। और ये भी सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड थिक लेयर होता है, सिंगल सेल और थिक लेयर होता है। देखिए एंडोथीसियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे कि एंडोथीसियम जो है हमारा, ये जो एंडोथीसियम है एपिडर्मिस के नीचे है, सिंगल सेल्ड है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन एंडोथीसियम आर्किस्पोरियल ओरिजिन का होता है, आर्किस्पोरियल ओरिजिन का एंडोथीसियम होता है। आर्किस्पोरियल ओरिजिन का होता है एंडोथीसियम का। और जो एक इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एंडोथीसियम के वाल होते हैं, अगर मैं इसके सेल्स की वाल की बात करूं तो इसके सेल्स की जो वाल होती है, जो मैं सबसे आउटर वाल की बात करूं, इस तरह के वाल ये थिन होता है, इसका आउटर वाल थिन होता है, आउटर वाल थिन होता है एंड रेडियल वाल ऑफ एंडोथीसियम सेल। देखिए इसका जो आउटर वाल होता है थिन होता है, इनर वाल और रेडियल वाल जो एंडोथीसियम का होता है वो थिक होता है। देखिए जो रेडियल वाल है और जो इनर वाल है दोनों में से अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता है, ये अल्फा सेलुलोज का दोनों में थिकनिंग होता है। रेडियल वाल जो होता है इसमें खास तौर से केलोज बैंड प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से ये इसमें थिकनिंग पाई जाती है। कुछ जो एंडोथीसियम होते हैं, एंडोथीसियम के सेल्स होते हैं, सब एंडोथीसियम सेल्स में क्या होता है, उसमें केलोज का या फिर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता है, इसकी वजह से उस जगह थिकनिंग नहीं होती है। और थिकनिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये जैसे मैच्योर होता जाता है एंथर, तो उस समय वो रैप्चर होने की कंडीशंस बनता है। जिस जगह अल्फा सेलुलोज या फिर रेड जो हमारा केलोज है, केलोज बैंड प्रेजेंट नहीं होगा रेडियल वाल या इनर वाल में,
उस जगह एक गैप जैसा नजर आता है, इसे कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, स्टोमियम देखिए, स्टोमियम एक खास पॉइंट होता है। इस स्टोमियम पॉइंट से एंथर रप्चर होता है और जिसकी वजह से डेहिसेंस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए जो हमारा स्टोमियम में वाला प्लेस है, स्टोमियम वाला जो पॉइंट है, उस जगह डेहिसेंस परफॉर्म होता है। तो इस तरह से हमारा एंडोथीसियम कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा दो लेयर है ये, इसको कहा जाता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर भी आर्किस्पोडियल इन ओरिजिन होती है, होता है। और मिडिल लेयर जो है, और जो मिडिल लेयर है आर्किस्पोडियल इन ओरिजिन होता है और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है, इसे मिडिल लेयर कहा जाता है। मिडिल लेयर आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड इट स्टोर फूड, यही फूड स्टोर करता है, स्टोर करता है फूड। इनिशियली प्रेजेंट होता है बट मैच्योर कंडीशन में अब्सेंट होता है। मैच्योर कंडीशन में अब्सेंट होता है। ये हमारा मिडिल लेयर हो गया। इसके बाद वाला जो लेयर है, ये लेयर, इसको टैक्टम कहा जाता है। ये है टैक्टम। देखिए जो टैक्टम होता है ये सबसे लास्ट लेयर है, यानी कि फोर्थ लेयर है। अगर यहां से मैं काउंट करूं तो ये मेरा फोर्थ लेयर है टैक्टम, ये मेरा फोर्थ लेयर है टैक्टम। टैक्टम जो होता है, ये टैक्टम क्या होता है, ये न्यूट्रिटिव, जैसे अगर मैं बात करूं टैक्टम का, तो टैक्टम क्या करता है, ये मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ये पोलन सेक में से ट्रांसफर कर देता है, पोलन सेक में से ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए ये टैक्टम क्या होता है, टैक्टम पोलन ग्रेन लिख देता हूं मैं सीधा, पोलन ग्रेन को ये ट्रांसफर करता है। साथ ही साथ टैक्टम हॉर्मोन्स और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। देखिए अब हमारा जो लास्ट वाला लेयर है, इसे कहा जाता है, जो लास्ट वाला लेयर है, इस लेयर को कहते हैं फॉलेन सैक।
ये हमारा पोलन सैक। देखिए पोलन सैक जो होता है ये भी आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होता है। पोलन सैक भी आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होता है और इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पोलन सैक एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। ये हमारा पोलन सैक आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैरी करता है और ये हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर के, तो इसमें टोटल फोर लेयर्स हैं। इसमें टोटल फोर लेयर्स हैं। देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और पोलन सैक। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आता है या फिर समझ में नहीं आता है तो आप इसे थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये कंप्लीट नोट्स है हमारा, जिससे कि आपका नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आप इसे अच्छे से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, और दूसरा हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। थैंक यू।